रोहतक के सेक्टर एक में आज दोपहर लगभग 12:38 पर एक बैंक के एटीएम में कैश डालने आई गाड़ी का स्प्लेंडर बाइक सवार बदमाशों ने लगभग 2.5 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इस दौरान बैंक की वैन का गार्ड गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए PGI भर्ती करवाया गया है। CCTV फुटेज में स्प्लेंडर पर सवार बदमाश साफ साफ तौर पर वैन का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह CCTV फुटेज वारदात से कुछ क्षण पहले की ही है। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी की बड़ी खबर आ रही है रोहतक के सेक्टर एक से, जहां पर एक बैंक के ATM में पैसे डालने एक गाड़ी आती है, जिस पर पीछे से बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर देते हैं उनके गार्ड पर। उसके गार्ड को 2 गोलियां लगी हैं। उसके बाद लगभग 2.62 करोड़ रुपए की मोटी रकम लेकर वो फरार हो जाते हैं। मौके पर अभी SP और IG पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी पुलिस टीम आ रखी है। हम आपको दिखा देते हैं, और बहुत ही बड़ी लूट की वारदात है ये, जिसको अंजाम दिया गया है। और अभी पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जो लूट करने आए थे वो स्प्लेंडर बाइक पर थे, और बाइक का नंबर नहीं था। उसके बाद अभी जो पुलिस है इस मामले की पूरी छानबीन कर रही है, और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हमने पीछे से ट्रंक खोला, मेरे साथी भाई ने, ये पीछे से कैश निकालने के लिए, पीछे गनमैन खड़ा था, ठीक है सर, पीछे से आके गनमैन को गोली मारी, उनका हथियार छीन लिया, ठीक है सर। दूसरा जो कैशियर कैश निकाल रहा था उसको साथ छिन्ना झपटी की, ठीक है सर। ड्राइवर भी उतर कर भाग दिया, और मैं भी उधर जा रहा था, ठीक है, ATM की तरफ सर। कैश तो मेरी गाड़ी में 2.92 करोड़ था सर। कितना लूट कर लेगी? 2.62 लूट लेगी सर। कितने आदमी थे, किस चीज पर? दो आदमी थे सर, और बाइक पे थे सर। बाइक भी हमने दूर से देखी है, उन्होंने बाइक पे वो लगा रखे, जैसे सब्जी वाले होते हैं ना साइड में, वो गाड़ी में CCTV है सर, पीछे उसकी ले लिया DVR वगैरह सब। अच्छा, ये बताएं कि जो मास्क लगा रखा था या मुंह ढककर आए थे, किस तरह हेलमेट पहन रखा था, कैसे? हेलमेट का तो ध्यान नहीं सर, मुंह पे वैसे बांध रखा था कुछ, और पैंट ब्लैक थी, और क्या नाम है, T-shirt ही पहने हुए थे। एक फुटेज भी बनाई सर, उसमें देख लेना, क्योंकि डरते हुए हम भी इधर ऐसे ऐसे कर रहे थे, मार रहे हैं। हाँ जी, सर, हाँ जी, ऐसे किया, मैं थोड़ा छुप गया सर उधर। और लोग थे यहाँ पे, किसी ने बचाने की कोशिश? सर मैडम, ये बिल्कुल दुकानों वाले घर वाले भी सब निकल के दे रहे थे, किसी ने कोई बचाने की कोशिश नहीं। मेरा साथी भाई उधर छुपा जाके, वो भाई उधर काम लग रहा है मिस्त्रियों के, घायल सर मेडिकल गया, रमेश है सर उसका नाम जी सर, रमेश। पीछे लगी सर, पीछे लगी है, एक किया जांग मेहर, एक किया। उन्होंने गोली नहीं चलाई उनके पास? उनका हथियार छीन लिया, पीछे से गोली मारी मैडम, हथियार पहले छीन लिया। हाँ, नहीं गोली मारा फिर हथियार छीनना मैडम। शशि प्रकाश जी, आप चालक को? नहीं सर, चालक नहीं, कैश डालने वाला, कैश डालता सर। एक ही गनर था सर? एक गनर था मैडम, एक ही गनर। का पैसा लेके अलग अलग ATMs में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जब यहाँ आके रुकी है, उनके पीछे 2 बाइक वाले खड़े थे, उनको पहले से उनका पता था, आके उन्होंने गोली चलाई है सिक्योरिटी गार्ड पे, और बाकी जो 3 जो कर्मचारी थे वो उधर उधर भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो कैश का जो कंटेनर्स थे वो बोरे के बक्से में रख के बाइक में लेके भाग गए हैं। तो हमारी टीम लगी हुई है, और हमें उम्मीद है, हमें CCTV फुटेज मिल गए हैं, गाड़ी का नंबर मिल गया है, हमें उम्मीद है कि हम जल्दी जल्दी इसका पर्दाफाश कर देंगे। कैसे घटना को अंजाम कैसे दिया सर? ये एस्टिमेटेड कैश अभी हमें वेरीफाई कर रहे हैं, पर 2 करोड़ से ज्यादा कैश था। घटना को अंजाम कैसे दिया? किसी कोई घायल हुआ है? हाँ जी, जो सिक्योरिटी गार्ड था जो साथ में था, उनके 2 गोली लगी है, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। घटना को अंजाम कैसे दिया सर, किस तरह से? जी, घटना को अंजाम अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर एक बाइक पे 2 लोग पहले से यहाँ पर थे, उनको पता था यहाँ पर कैश मूवमेंट हो रहा है, और उन्होंने जब ये वैन रुकी है और जब कैश निकालने लगे हैं, तब इन्होंने उनका अटैक किया है। पहले से रखी की गई? पहले से रखी की, हमें लगता है जैसे रखी पहले से की गई है। ठीक है सर, थैंक यू।